तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कल रात को आए थे और सुबह अभी हम नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं नीम बीच। यहाँ पे तपोवन में है नीम बीच, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है ये जगह, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आती है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये पथरीला रास्ता है, आपको यहाँ से बाई वॉक ही जाना पड़ता है क्योंकि पार्किंग थोड़ी देर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये जगह, ये देखिए यहाँ पे जैसे कई लोग सुबह सुबह मेडिटेशन के लिए जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 6 और बिफोर दैट। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, ये देखिए। ये देख सकते हैं हम पहुंचने वाले हैं नीम बीच, बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स, ये जो प्लेस है ऋषिकेश, मैंने आपको बताया नहीं, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, हरिद्वार के पास ऋषिकेश पड़ता है। जिनको नहीं पता मैं उनको लिए बता रही हूँ, ऋषिकेश आओगे तो ये तपोवन में, आप तपोवन आपको आना पड़ेगा लक्ष्मण झूला के पास। यहाँ पे आप आके किसी से भी पूछोगे, मतलब जिनको पता है, जैसे यहाँ के लोकल्स हैं, वो आपको बता सकते हैं यहाँ का रास्ता। तो आप देख सकते हैं इट्स सो ब्यूटीफुल। आप जैसे अभी बारिश का मौसम है तो पानी ब्राउन नज़र आ रहा है, बट यहाँ का पानी जो है गंगा मैया, यहाँ पे एकदम ब्लू क्रिस्टल क्लियर होती है, बहुत ही सुंदर। तो यू कैन सी ओवर हियर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इतना अच्छा लग रहा है, सबसे सुंदर जगह है ये ऋषिकेश की। आई लव दिस प्लेस, मैं यहाँ पे 3 बार आ चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर है। ये आप देख सकते हैं, को ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये, माँ गंगा बह रहे हैं यहाँ पे। ये है नीम बीच, कितना ब्यूटीफुल है नीम बीच। और ये जो गंगा मैया की लहरें हैं, ये आपकी लक्ष्मण झूला की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ से अगर आप सीधा वॉक करते हुए चले जाओगे तो लक्ष्मण झूला आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आसपास का नज़ारा, ये है आपका नीम बीच। यहाँ पे आपका बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पे, जब आप हाईवे की तरफ जाते हो तो बद्रीनाथ केदारनाथ रोड जो जहाँ पे है वहीं पे पड़ता है ये नीम बीच। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। मैं अभी ऋषिकेश में हूँ और आज मैं जा रही हूँ नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, ऋषिकेश से आपको नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर है वो कैसे जाना है, और यहाँ से कितना किलोमीटर है, कितनी दूर पे है, और पहाड़ी रास्ता कैसा है, ये मैं सब आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। तो आप मेरा प्लीज़ पूरा वीडियो देखते रहिएगा, स्किप मत करना, और इस बहाने आपके भी दर्शन हो जाएंगे नीलकंठ महादेव जी के। हर हर महादेव। ये देखिए पहाड़ी रास्ता है नीलकंठ जाने के लिए। आपको यहाँ का जो स्टोरी है आपको शायद पता ही होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था
तो उसमें से अमृत भी निकला था और विष भी। तो शिव जी ने जब विष पी लिया था, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि देवों के देव महादेव कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विष पी लिया था। और उन्होंने जब विष पिया था तो उनके कंठ में वो विष उन्होंने रोक लिया और वो जो उनका कंठ है वो नीला पड़ गया था। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो ही मंदिर है जहाँ पे उन्होंने विष पिया था, नीलकंठ महादेव। तो आपको मैं वही लेके जा रही हूँ, ये देखिए, ये है जाने का रास्ता, बहुत ही सुंदर है लेकिन थोड़ा सा डेंजरस भी है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आपको जैसे आप जब भी जाना है आपको भी नीलकंठ महादेव जी के यहाँ, तो आप ये वीडियो देख के आप आसानी से जा सकते हो, आपको थोड़ी सी हेल्प तो मिली जाएगी, तो देखते रहिएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग नीलकंठ जा रहे हैं, तो ये नीचे गंगा मैया भी बह रही है, ये देखो कितना सुंदर व्यू है, ये देखो कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ पहाड़ और नीचे गंगा मैया। हम नीलकंठ महादेव जी मंदिर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ की पार्किंग है, ये हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई है और हम अभी यहाँ से प्रसाद खरीदेंगे। ये मंदिर मार्ग है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शिव जी रखे हुए हैं यहाँ पे। अभी हमारे नीलकंठ भगवान जी के दर्शन हो गए हैं और अभी हम वापस ऋषिकेश जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेलफेम भव्या। आज मेरा तीसरा दिन है ऋषिकेश में। आज मैं आई हुई हूँ यहाँ पे वशिष्ठ आश्रम, ये है ऋषिकेश से 12 किलोमीटर्स दूर आपको पड़ेगा, ये बद्रीनाथ रोड के पास पड़ेगा ये, और इसका नाम है वशिष्ठ आश्रम, जहाँ पे वशिष्ठ ने बहुत साल मेडिटेशन किया था। और ये है बेसिकली, दिस इज़ अ एनलाइटमेंट केव, सो जिसको भी जैसे एनलाइटमेंट चाहिए होता है, डीप मेडिटेशन करना होता है, तो वो यहाँ पे आके पहले करते थे। तो मैं यहाँ पे अभी जा रही हूँ देखने के लिए, तो आप मेरा वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टे ट्यून, स्किप मत करना, मैं यहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। ओके, सकते हैं ये वशिष्ठ गुफा जाने का रास्ता, आप देखते रहिए फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो देख के। दिस इज़ अ वेरी सेक्रेट प्लेस, वेन एवर यू विजिट ऋषिकेश यू प्लीज़ विजिट दिस प्लेस, दिस प्लेस इज़ फॉर, आई मीन दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेस फॉर एनलाइटमेंट। ये हम पहुंच चुके हैं महर्षि वशिष्ठ गुफा के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ ने बहुत सालों तक शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी। महर्षि वशिष्ठ और श्री रामचंद्र का ताल्लुक बहुत पुराना है। श्री रामचंद्र के सात पूर्वज महर्षि वशिष्ठ को मानते थे, श्री रामचंद्र के गुरु जी थे महर्षि वशिष्ठ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कई प्रमाण हैं कि यहाँ पे उन्होंने कई सालों तक शिव जी की तपस्या करी थी। इस गुफा के अंदर, इस एनलाइटमेंट गुफा जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर महर्षि वशिष्ठ ने कई सालों तक तपस्या करी थी और शिव जी प्रकट भी हुए थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको बोला कि आप यहीं विराजित हो जाइए, बट शिव जी ने कहा अगर मैं इसके अंदर ही रह जाऊंगा तो सृष्टि को कौन संभालेगा। बट उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को वरदान दिया कि जो भी इस गुफा में आएगा वो इस गुफा को वशिष्ठ गुफा के नाम से जाना जाएगा। और आप ये देख सकते हैं
कि ये दीपक हैं जो जल रहे हैं, यहाँ पे साक्षात शिव जी बैठे हुए हैं और कई लोगों को उन्होंने दर्शन भी दिए हैं और महर्षि वशिष्ठ ने भी दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ऋषिकेश आए तो इस गुफा की ज़रूर दर्शन कीजिए। यहाँ पे बहुत मान्यता है, आप ये देख सकते हैं, ये महर्षि वशिष्ठ की गुफा है और ठीक उसके सामने माँ गंगा जी बह रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोई जन्नत से कम नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे इतना अच्छा है कि आप पूरी दुनिया भूल जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आई लव दिस प्लेस। एंड यहाँ पे चारों ओर आप देख सकते हैं, ये जन्नत है, स्वर्ग और कहीं नहीं, यही है मेरे दोस्तों। अगर आपको शिव जी की साक्षात अनुभूति करनी है तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार इस जगह पे विज़िट कीजिए, वशिष्ठ महर्षि गुफा। इसके सामने आप देख सकते हैं गंगा मैया बह रही है, हर जगह गंगा मैया बह रही है, खुशी की लहरें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके सारे दुखों का अंत हो जाता है, आपको शिव जी की साक्षात प्राप्ति होती है। शिव जी का अनुभव अगर आपको करना है, शिव जी की शक्ति प्राप्त करनी है, तो आप ज़रूर यहाँ आए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कल रात को लैंडस्लाइड हुआ है, तो यहाँ पे जो है, जब हम वहाँ गए थे वशिष्ठ आश्रम, तो रास्ते में ये पहाड़ देखिए ये कैसे गिर गया है। यहाँ पे कई पेड़ भी गिरे हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये देखिए नीचे गंगा मैया बह रही हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी हो रखा है, बिकॉज़ क्रेन से ये सारे पत्थर हटा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रखा है। ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है, ये देखिए वो क्रेन है, उससे सारे पत्थर हटा रहे हैं ये सारा। यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया है, देहरादून ऋषिकेश हाईवे भी टूट गया था, मतलब पूरा हाईवे नीचे गिर गया था, जिसमें कई सारी गाड़ियाँ भी गिर चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी वी आर ऑन द वे टू ऋषिकेश तपोवन। आप देखते रहिए मेरा वीडियो, स्टे ट्यून्ड। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। आप भी आइए और यहाँ पे चाय पीजिए, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट, ये देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये व्यू आप देख सकते हैं। ये है डिवाइन रिजॉर्ट्स का होटल है, ये पूरा इन्हीं का है। और हम ये 8th फ्लोर से हम नीचे आए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको राम झूला भी दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका गीता भवन जो दिख रहा है, ये आप सीधा देखेंगे इस पार, ये गीता भवन है, बहुत ही फेमस आश्रम है ये। जो भी ऋषिकेश आते हैं वो गीता भवन ज़रूर जाते हैं, और यहाँ पे आप फ्री में स्टे कर सकते हैं फ्रेंड्स, विद ऑल फैसिलिटी। ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, कितना प्यारा व्यू है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊं, यहीं पे ज़िंदगी भर अपना पूरी ज़िंदगी यहीं पे बिता दूं। आप देख सकते हैं गंगा मैया की फ्लो कितनी तेज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बारिशें हो रही है, तो बारिशों के मौसम में गंगा मैया का फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको पूरा ऋषिकेश का दर्शन करा रही हूँ, जो बहुत अच्छी जगह है,
जो आप ऋषिकेश आके आप विजिट कर सकते हैं वो सारे प्लेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा ऋषिकेश में फोर्थ डे है और मैं आज आई हूँ त्रिवेणी घाट। तो आज हम त्रिवेणी घाट के दर्शन करके सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ त्रिवेणी घाट का दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है और यहाँ पे गंगा आरती होती है। ये बहुत ही फेमस है, सबसे फेमस घाट है ये ऋषिकेश का, जहाँ पे गंगा आरती की जाती है और शाम को यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, थाउजेंड्स के तैनात पे लोग आते हैं गंगा दर्शन करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से गंगा जल लूँगी घर के लिए और सीधा दिल्ली को रवाना। तो फ्रेंड्स, मैंने गंगा जल भर लिया है घर के लिए। अभी यहाँ तक मेरी ऋषिकेश यात्रा इस बार के लिए पूरी होती है। अब हम सीधा निकलेंगे दिल्ली को घर की ओर और आपको बहुत कुछ पता चलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल